IMAX प्लेयर की मिर्जापुर यानी रक्तांचल वेब सीरीज को देखने के बाद हर कोई विजय सिंह के भौकाल का दीवाना हो गया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये धांसू एक्टर कौन है, इसका MS धोनी और बाबा रामदेव से क्या कनेक्शन है। आपके इन सभी सवालों के लिए हम लेकर आए हैं ये खास वीडियो। आपको हम बता दें कि हमारे चैनल पर इसी तरह की जानकारी सबसे पहले मिलती है, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले। रक्तांचल में विजय सिंह का किरदार निभाने वाले एक्टर का पूरा नाम क्रांति प्रकाश झा है। क्रांति बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म 17 मई 1985 को बेगूसराय बिहार में हुआ था। क्रांति ने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में स्थित हिंदू विश्वविद्यालय से की है। जैसा कि हर बिहारी स्टूडेंट को मोहब्बत होती है UPSC से, वैसे ही क्रांति को भी थी, परंतु प्रथम प्रयास में ही फेल हो जाने के बाद वो दोस्तों के कहने पर मूड फ्रेश करने एक महीने के लिए बॉम्बे आ गए। उनके दोस्त फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। उनके कहने पर क्रांति ने एक एडवर्टाइजमेंट का ऑडिशन भी दिया और उसमें एक छोटे से रोल के लिए सेलेक्ट भी हो गए। उन्हें इसके बदले 700 रुपए मेहनताना भी मिला। क्रांति खुश हो गए और उन्होंने 100 रुपए सिद्धि विनायक जी के मंदिर में प्रसाद के लिए चढ़ा दिए और 100 रुपए माँ के लिए रख लिए और बाकी के 500 रुपए की दोस्तों को पार्टी दे दी। अब क्रांति ने UPSC छोड़कर एक्टर बनने का निर्णय ले लिया था। उन्होंने बॉम्बे में जमकर थिएटर किया और अपने अभिनय को निखारा। क्रांति को छोटे मोटे रोल फिल्मों में मिलने लग गए थे, पर उन्हें पहचान मिली 2018 में डिस्कवरी चैनल पर प्रदर्शित नेटफ्लिक्स की बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित वेब सीरीज से। इस सीरीज में क्रांति ने बाबा रामदेव का मुख्य किरदार निभाया था। आपको हम बता दें कि इस सीरीज के लिए क्रांति ने योगा करना भी सीखा था और इतना सीखा कि अब वो अपने जीवन को बिना योग अधूरा मानते हैं। इसके बाद क्रांति को पहचान मिली महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित फिल्म MS धोनी से। क्रांति अब तक कई फिल्में कर चुके हैं, जैसे देशवा, मिथिला माखन, वंस अपॉन ए टाइम इन बिहार, काशी, MS धोनी और अभी हाल फिलहाल MX प्लेयर पर रिलीज हुई रक्तांचल। चलिए आप हमें बताइए आपको क्रांति कैसे लगते हैं। आप उनसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आपसे निवेदन है कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।